ए के अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NCV जो कि मीको के 27 ऑटो BL के अंदर लिखा रहता है, इस फंक्शन का यूज करना सिखाऊंगा। तो NCV आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं, मीको का 27 ऑटो BL मीटर है मेरे पास और एक क्लैंप मीटर है ये। तो NCV पे मैंने किया हुआ है, एरो को आप ध्यान देखें तो NCV पे किया हुआ है। और NCV एक इंडिकेटर रेड LED भी लगा हुआ है NCV के ऊपर, ये फ्लैश करने का काम। तो NCV पे किया हुआ, डिस्प्ले पे इस टाइम क्या आ रहा है, डिस्प्ले पर लिखा आ रहा है EF लिखा आ रहा है। तो बिना टच किए मैं AC वोल्टेज इससे पता कर सकता हूँ कि AC वोल्टेज है या नहीं है। AC वोल्टेज का पता लगाना कि बिना टच किए हुए। तो अभी मैंने यहाँ से पावर ऑन किया, अगर आप देखें तो ये मैंने पावर ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद में अब इस मीटर को मैं NCV पर रखते हुए नज़दीक लेके जा रहा हूँ। ये बीप आ रही है, ये बीप जो है वो LED भी जल रहा है और बीप भी बोल रहा है। तो बीप जितना तेज स्पीड से बोलेगा उतना ही AC वोल्टेज ज़्यादा है। ये 230 वोल्ट AC के लिए ये बीप की स्पीड है, और AC वोल्टेज कम होगा तो बीप की जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे बोलेगा, रिपीट जो है धीरे धीरे करेगा। तो बिना टच किए हम AC वोल्टेज को, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज NCV फंक्शन दिया रहता है 27 ऑटो BL मीको के क्लैंप मीटर के अंदर, उससे पता कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो नीचे डिस्प्ले में देखेंगे तो आप ये डैश आ रहे हैं, ये डैश जो है वो डिस्प्ले पे देखेंगे उस टाइम डैश आते हैं जब NCV काम करता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।